हाय गाइस, तो एज यूजुअल उस दिन भी मैंने, मतलब बारात वाले दिन भी मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू कि मैं 99% कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए किसी भी शादी में जाऊँ तो इंट्रो शूट करूँ उसी दिन जिस दिन शादी हो रही है। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, आई थिंक 12 के करीब हो रहा है टाइम, 12 बज रहा है शायद दोपहर के, और भाई को हल्दी लगा के छोड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे तरफ रिवाज है। ओके, हल्दी लगा के छोड़ दिया जाता है, फिर शाम को नहाता है दूल्हा, ठीक है, जब बारात लेके जा रहा होता है। तो हमें जाना था, जो माला बनाते हैं ना बहन बुआ चाची जो भी, तो वो माला वाला लेने जाना था। लेकिन जो हमारे साथ में ताई जी हैं, उन्होंने बोला कि मुझे ना लुगड़ी दिला के लाओ तुम आज के लिए। तो हम चले गए शॉप पर, मैं, चाची और वो ताई जी, ठीक है, जिनको लेनी थी। तो हम लोग बस लुगड़ियों के कलर देख रहे थे। गाइस, मुझे एक कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ना वो टोमेटो कलर था, ना वो मरून कलर था, ना ही वो रेड कलर का था, मतलब अलग ही कलर लगा मुझे। एक तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, ये वाला कलर, स्काई ब्लू कलर। लेकिन गाइस, अब जो कलर आएगा ना वो इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। बट क्या करूँ, मैं डेली यूज़ में नहीं पहनती, वरना मैं खरीद लेती। बाय द वे, इसकी प्राइस है 1350 रुपये, कैन यू बिलीव दिस। एंड गाइज, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना मुझे वो अभी जो लुगड़ी आ रही है ना, ये वाली, इतनी ज़्यादा प्यारी लगी, मैं आपको यही बताऊँ। बट मैं डेली यूज़ में नहीं पहनती, इसलिए मैंने इतना महंगी लुगड़ी नहीं खरीदी। बाय द वे, 1350, यार छोटे मोटे मनी नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद ताई जी को अभी ये जो कलर आएगा, अभी तो पॉलिथिन में रख रहे हैं ना, ये वाली कलर की लुगड़ी ली ताई जी ने। उसके बाद हम फटाफट से आए घर, माला लेके, उसके बाद मैं होने लगी रेडी, और अभी मैं रेडी होके आऊँगी नीचे। तो जब तक मैं रेडी होकर नीचे आई थी ना, तब तक भाई नहा चुका था, और उसने कपड़े भी ऑलमोस्ट पहन लिए थे, बस वो शेरवानी पहन रहा था, ठीक है। तो यहाँ फूफा जी को नेक दे रही हैं ताई जी, ठीक है, जो कि रस्म होती है कि फूफा जी या जीजा जी जो भी कपड़े पहनाते हैं उनको ये दिया जाता है नेक। तो जो नेक मिला था वो मेरे हस्बैंड को भी दिया था उसी दिन, ठीक है, जब वो गए थे उसी दिन दे दिया था, और इक्वली रखा था ताई जी ने, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम। फूफा जी को भी इक्वल रखा, मतलब जो दूल्हे के जीजा जी थे उसको, उनको भी इक्वल रखा, और दूल्हे के जो फूफा जी थे उनको भी इक्वल रखा, जैसे कि हम लोगों को इक्वल रखा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ फूफा जी बना रहे जूती, और यहाँ देखो कलश रख दिया है, और इसको शायद आंगन बोलते हैं, पता नहीं क्या पूरता, मतलब जैसे आटे को बोलते हैं ना चून पूरना, तो ऐसा कुछ शायद आंगन बोलते हैं, आंगन बना के ये रख दिया है कलश। उसके बाद भाई हो चुका है रेडी, और अभी आती है तेल उतारने की बारी। तेल को उतारना, मतलब जो तेल के दिन तेल चढ़ाते हैं ना उसको उतारना होता है आज के दिन, बारात निकलने से पहले। तो चढ़ाते हैं जब पैरों से, मतलब सर की तरफ चढ़ाते हैं, और उतारते हैं जब सर से पैरों के नीचे तक लाते हैं, ठीक है, ऐसे आप देख लो, ठीक है। इतना मुझे भी नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम ही किया था ये वाली रस्म, ठीक है। उसके बाद घी चढ़ाना होता है, पहले इस रस्म जो होती है ये विंध्याक के साथ की जाती है, फिर उसके बाद दूल्हे के साथ की जाती है। तो गाइस, जब मुझे ऐसा कुछ करना होता है ना पब्लिक प्लेस में, मतलब जो नई नई रस्में होती हैं वो मुझे पहली बार करनी होती है ना, तो मेरे हाथ पर काम करना बंद कर देता है, मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है, डर भी नहीं बोलूँगी, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, ठीक है। तो भाई मुझे बता रहा है कि भाई सीख ले, आगे काम आएगा तेरे, तो बहुत सारी रस्में करनी है तुझे आगे जाके, तो सीख ले। अच्छा, अभी तो भाई मैं बची हुई हूँ क्योंकि बुआ कर लेती है, सब संभाल लेती है, बट इस टाइम भाई मुझे, मेरा भी नंबर आ गया, मुझे भी करना था, ठीक है। उसके बाद भाई का बारी, मतलब बिंदायक का हो चुका था, ये सेम रस्म मुझे भाई के साथ करनी थी, और फिर मैं भूल जा रही थी कि कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी यार, 10 तरफ से 10 लोग बोलते ना, तो ऑटोमेटिकली इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो भाई बीच में भाई भी बता रहा था, चाची भी बता रही थी, ताई जी बता रही थी, ऐसे ऐसे सीख ले, ठीक है, तो ऐसे करके। ओके, के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने करवाया फ़ोटोशूट, मतलब मैंने, उसके बाद सेम रस्म जो बाकी के 3 लोग थे जो चुनरी पकड़ने में थे ना, जिन लोगों ने आई थिंक तेल वाला ब्लॉग नहीं देखा है उसमें देख लेना, जो चुनरी पकड़ते हैं बाकी के 3 लोगों को भी यही वाली रस्म करनी थी। उसके बाद मैं और गुड़िया यहाँ पहना रहे हैं भाई को माला, ठीक है, क्योंकि गुड़िया के पापा के लिए। तो गाइज, उसके बाद हम निकासी के लिए निकल चुके हैं मंदिर में, मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी, और हम लोग जा रहे हैं डीजे से, तो नाच गाना तो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। डीजे, 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 डीजे,
अच्छा गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। पूरी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 20 मिनट की अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ सारे डांस वीडियोस, तो कोई नहीं देखता उसको, ठीक है। तो इसीलिए मैं उनको अलग से भी शेयर करूंगी, बट कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इस वाले व्लॉग में भी, ठीक है। तो यहाँ भाई आशीर्वाद ले रहे हैं ठाकुर जी का ताई जी के साथ। इसके बाद एक मंदिर और में भी गए थे हम, बट मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मुझे डांस शूट करना था। सब लोग हम बाहर थे तो डांस कर रहे थे, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ अभी भाई जा रहा है अपनी दुल्हनिया को लेने, और यहाँ भी कुछ रस्म होती है कि बहनें जो होती है ना वो गाड़ी के पीछे से मतलब फूल और जो चिल्लर होते हैं ना वो फेंकती हैं आगे की तरफ उसके जब भाई की गाड़ी रवाना हो रही होती है, ठीक है। तो वो अच्छा शगुन माना जाता है हमारी तरफ ऐसा कुछ। तो उसके बाद भाई को भेज दिया था हमने दुल्हन को लाने के लिए, और अभी हमें फटाफट से घर पहुँचना है क्योंकि घर पहुँच के हमारी कार हमारा वेट कर रही है और हमें भी निकलना है। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम रास्ता भूल गए, तो वो क्लिप मैंने छोटी सी शूट करी आप लोगों के साथ। एंड अब लड़के वालों के घर पहुंच के डायरेक्ट मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फटाफट से लड़के वालों के घर पहुंच जाए, कुछ खाने को मिल जाए बस। ऊपर बना दीदी ऊपर। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं आपको ना नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि क्या खाया क्या नहीं खाया, ठीक है, क्या क्या रस्में हुई, तो वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिले।